किड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन सैटरडे और मैं नहा धो चुकी हूँ और ये भी नहा धो के आ चुके हैं। कहाँ जा रहे हो पीठ दिखा के वापस आओ। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? और आज है सैटरडे, वीक का सबसे अच्छा बढ़िया दिन। हाँ। एंड आज मालूम है तुमको क्या है? आज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे भी है। अच्छा, तभी तुम्हारे बाल डंक हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं अभी। मेरे बाल भी एक्साइटमेंट में खड़े हो चुके हैं, देखिए। संडे से भी बेटर मुझे सैटरडे लगता है, बिकॉज़ संडे को क्या टेंशन रहती है, अगले दिन मंडे। हाँ। सैटरडे को कोई टेंशन नहीं है, अगले दिन भी संडे है। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि आज सैटरडे भी है तो काम भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा पहले खाना बना लेते हैं, क्योंकि जितने भी काम होते हैं सारे सैटरडे के लिए छोड़ते जाते हैं। और खाने में मैं बना रही हूँ आज भिंडी की सब्जी। सब्जी में पहले ही काट पीट के रख गई थी, बाद में आई हूँ बनाने के लिए, नहाने से पहले ही काट ली थी। जब भी मैं भिंडी की सब्जी बनाती हूँ ना, तो इसके जो सूखे मसाले होते हैं, धनिया, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, इसको हल्के से पानी में घोल के ऐसे ऊपर से डाल देती हूँ। इससे क्या है, भिंडी जलती भी नहीं है, चिपचिपी भी नहीं होती है और बहुत अच्छे से आराम से पक जाती है। यहाँ पर इतनी गर्मी होने लगी है ना अभी से, जो किचन वाला जो किचन में काम करता है वो पसीना पसीना हो जाता है। सबसे गर्म प्रदेश है ये आंध्र प्रदेश, सच में। अभी क्या है, मई जून तो आ रहा है। और भिंडी के साथ में मैं बना रही हूँ रायता, क्योंकि भिंडी सूखी है, फिर उसके साथ कुछ रसीली सब्जी चाहिए, तो फिर दही रखा था तो मैं उसका बना ले रही हूँ, खीरे का रायता। तो दही में मैंने डाल दिया है खीरा और ये लगा दिया है तड़का, तो ये रायता भी तैयार हो गया है। तो ये झटपट वाला लंच हो गया है, भिंडी और रायता, क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं कुछ ज़्यादा बनाऊँ। तो खाना रेडी हो चुका है और आज इन्होंने भी जल्दी नहा लिया है, मतलब सब ने ही नहा लिया है। तो मैं जा रही हूँ सबके कपड़े डाल देती हूँ मशीन में और उसके बाद में हम खाएंगे खाना। और खाने में यही है, सिंपल भिंडी की सब्जी, रायता, रोटी, गाजर का अचार। तो आप लोग भी आ जाइए, लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद में और कुछ काम करते हैं। और ये अभी अपना कुछ काम करने लग गए, तो फिर मैंने कहा कि मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जितने भी मेरे धोने वाले कपड़े थे वो मैंने निकाले और अलमारी थोड़ी सी लगाई, बेड शीट मैंने सुबह धुलने डाल दी। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि ये जो मेरे गमले हैं इनके कुछ पौधे रह गए थे, वो पूरे नहीं आ पाए थे। और मेरा काम तुरंत इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि तुरंत डेली मेरे पतिदेव घर पे नहीं रहते हैं, तो सैटरडे को। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी काम है, सोच रखा है, अगर हो जाता है नहीं होता है देखते हैं, लेकिन बाद में शेयर करेंगे क्या काम था। अरे यार, तुम बहुत पतले हो गए, सांप की तरह कहीं भी घुस जाते हो अब तो। पतले नहीं हुए, शेप में आ गए। अच्छा, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ इस वाली नर्सरी में, क्योंकि ये काफी बड़ी है और यहाँ पर पौधों की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, लेकिन मुझे जो लेने हैं वो मुझे पूछने पड़ेंगे अभी इनसे हैं कि नहीं है। इतने सॉफ्ट तरीके से तेरी मेरी लड़ाई हो रही है, मतलब लड़ाई को लड़ाई की तरह तो बोलो, ऐसा लगा लड़ाई नहीं प्यार हो रहा है। तेरी मेरी तो ये गाना आप जाकर जरूर सुने, क्या है, तेरी मेरी लड़ाई हुई है। इतने आराम से लड़ाई, इतनी हसीन लड़ाई हो रही है यार, मतलब बच्चों को ऐसे हाथ पकड़ के निकलना चाहिए, रोड पार करानी चाहिए ऐसे। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे छिपकली की पूंछ पड़ी हुई है, अभी मैं यहाँ से निकला था मेन गेट से, मेरे ऊपर छिपकली गिर गई, मैं तो कांप गया, मतलब समझ में नहीं आया मुझे क्या है क्या है क्या है। अभी चल रही है पूंछ, जिंदा है पूंछ। हमारे यहाँ जब छिपकली गिर जाती है तो हमारे यहाँ जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो क्या कहते हैं कि आप सोने के पानी को, यहाँ पे भी गिरी है, मैं सोना हूँ सोने के पानी को। ये क्या है बेटा, ये मैं हूँ, ये तू नहीं है, ये क्या है, मैं हूँ, मंगलसूत्र है ये। हाँ, मेरी भी तो सुन लो, हमारे यहाँ कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं तुम्हारे, नहा लो शिव जी में जल चढ़ा दो, छिपकली गिर जाए तो। तुम्हारे यहाँ कहते हैं ना, यहाँ तो हमारे नियम लागू होंगे ना। हाँ, तो तुम्हारे सोने के पानी लग गया, नहा भी लेना छिपकली गिर। छोड़ दो भैया, छोड़ दो।
आज इनसे कहा कि चलो बाहर से जाके बाहर से खाना खिला के लाओ, तो ये कह रहे हैं पहले मैं अपना काम निपटा लूँ फिर मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा फिर मैं इंतज़ार क्यों करूँ, मैं कुछ बना लेती हूँ जब तक। तो यहाँ पर मैंने एक मूली को ग्रेट करके और यहाँ पर इसको रख दिया है थोड़ा सा नमक और पानी डाल के बॉयल होने के लिए। और मेरे पास मूली रखी हुई थी, मैं सोच रही थी इसका क्या बनाऊँ, लेकिन इसका जो बनेगा ना वो बहुत अच्छा लगता है। और उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टमाटर 1 प्याज काट ली है। और जब घर पर मूली रखी हो ना सब्जी कुछ ना हो तो इसको एक बार बना के ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है सब्जी। और मूली जब 2-3 मिनट अच्छे से बॉयल हो गई है हल्की सी, तो उसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी अजवाइन, हरी मिर्च, अदरक, और उसके बाद में ये सब हल्का सा भून के इसमें डाल दिया थोड़ा सा बेसन। और उसकी बना ली है ऐसे गोलियाँ खूब सारी, मतलब एक ही मैंने मूली ली है क्योंकि सब्जी थोड़ी सी रखी थी, मुझे ज़्यादा बनानी नहीं थी। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो ज़्यादा कर। और उसके बाद में मैंने उसी कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा तेल छोड़ दिया था और उसी में मैंने राई और जीरे से इसमें लगाई थी छौंक, और प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मसाले जो जो आपको पसंद है, और टमाटर, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। और जब टमाटर अच्छे से गल गए हैं तो मैं इसमें ग्रेवी डाल दूँगी जितनी हमें चाहिए, क्योंकि मैं चावल भी मैंने रख दिए हैं तो फिर थोड़ी सी मैं ग्रेवी वाली बनाऊंगी। और जैसे ये बॉयल हो गया तो इसमें ये गोलियां डाल दी हैं और बस थोड़ी देर में सब्जी हो गई है बनके रेडी। तो ये हो गए मूली के कोफ्ते। दोस्तों टाइम हो रहा है 10:30 है, लगभग रोड सुनसान होने वाला है, लेकिन हमारी सवारी अभी रोड में खड़ी है क्योंकि मैं हूँ नंदनी, अयान और ये सिद्धू, ये बेटा ये झांक रहा है खिड़की में से, और ये सब जा रहे हैं बर्गर खाने के लिए। ये देखो तीसरी बार हुआ है ये। दोस्तों आज ये करके आए हैं लेग की एक्सरसाइज जिसका असर देखने को मिल रहा है, ये रोड पे कहीं भी। अभी अब तुम सुबह नहीं जाओगे, ठीक है? सुबह जाऊंगा मैं। नहीं जाओगे? सुबह मेरा चेस्ट करना है मेरे को। तुम्हें भूत सवार है बहुत ज्यादा, नहीं जाओगे? सिद्धू कैसा लगा? कैसा लगा? बच्चे बाहर नहीं आ पाए थे तो अयान बहुत परेशान था, तो इसलिए इनको ले आए। और ये जहाँ पर हम चल रहे हैं ये बीच का किनारा है, और ये जो लाइट दिख रही है ना ये सिप है समुद्र के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह चल रहा था इसलिए लाइटिंग हो रही थी। तो यहाँ घूम फिर के अच्छा लग रहा था रात के टाइम। तो जी दोस्तों मैं आ चुका हूँ नहाकर, एंड सोने का पानी लगा के मैंने अपने यहाँ का कस्टम तो पूरा कर ही दिया था, नहा के मैंने इनके यहाँ का भी कस्टम पूरा कर दिया, ठीक है? कोई शिकायत नहीं है ना? एक पंत दो कार, तुम वैसे भी जिम से नहाते झूठ क्यों? मेरे को वैसे भी नहाना ही नहाना था क्योंकि मैं जिम से आने के बाद नहाया नहीं था, एंड खाना खाने के बाद डायरेक्ट इनको बाहर घुमाने ले गया था। तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि जो हमारे जो कस्टम्स है ना जिनको बड़े बड़े फॉलो करते हैं हम भी कर लेते हैं, तो ठीक है उसमें कोई बुराई नहीं। वैसे मैं इन चीजों को मानता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है यार अच्छा लगता है, टाइम पास होता है कि भाई सोने का पानी लगा लो, ये लगा ले, सब बड़े बूढ़ों की बात है। ये तो ठीक ही ठाक है। और एक हम बचपन में जो किया करते थे, किसी का पैर अगर पोटी के ऊपर रख जाए तो ऐसे उंगलियां वाल, कितने लोगों ने ये किया है मुझे जरूर बताना, ये सब करते थे। तो मेरा जो जरूरी काम था मार्केट वाला प्लांट्स का वो तो हो गया, लेकिन इनका जरूरी काम नहीं हो पाया क्योंकि मैं गई थी इनको एग बॉयलर दिलाने, जो कि यहाँ पर कई शॉप में पूछा लेकिन नहीं मिला है इन्हें। तो फिर क्योंकि मेरे को इनके अंडे खाने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसकी बॉडी में जिस चीज की नीड है वो खाएगा। इनफेक्ट हुआ क्या था, मेरे हार्डवर्क को देखते हुए रमा ने ही मुझे एडवाइस दी थी अंडे खाने की, लेकिन मुझसे गलती क्या हुई थी, जिस दिन मैंने अंडे खाए थे उस दिन थर्सडे था, उसके नेक्स्ट डे फ्राइडे था जिस दिन रमा का होता है फास्ट, राइट? तो कुछ ना कुछ मैंने किचन में गलतियां कर दी थी जिसकी वजह से थोड़ा सा ये नाराज हुई थी। एंड देन नेक्स्ट डे फ्राइडे जिस दिन इसका फास्ट था, तो उसी दिन आपके कमेंट्स ऐसे पढ़ने को मिले अंडे के अगेंस्ट में, तो जिससे कि उसका दिमाग और ज्यादा थोड़ा सा खराब हो गया, बिकॉज आप लोग उसकी ऑडियंस है ना, आप लोग उसको ऐसे कमेंट करेंगे थोड़ा सा इसको फील होगा। तो
उस दिन जो कुछ भी हुआ, जो आपने कल के वीडियो में देखा, उसका कारण सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि कमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो प्रैक्टिकली उन चीजों को सोचने भी लगते हैं, हाँ, कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। एंड दूसरा चीज, कल जो सफाई दी थी, जो प्रॉमिस किया था, मैंने सिर्फ इस चीज का प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो में आपको वो चीज नहीं दिखाऊंगा। मैंने ये प्रॉमिस नहीं किया कि मैं अंडे नहीं खाऊंगा। मैं अंडे खाता हूँ तो मैं खाऊंगा। उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाल दिया है कि हम बॉयलर लेके आएंगे, जो कि आज मतलब मिला नहीं है आज, तो मैं ठीक है अपना वो मतलब कुछ ना कुछ हम मैनेज कर लेंगे, अपनी व्यवस्था कर लेंगे। अंडे वाली बात को हमेशा के लिए यही खत्म करते हैं वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि इसको मेरे अंडे खाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो खुश रहें और खुश रहने दें, किसी की तरफ हेट ना फैलाएं। तो दोस्तों वीडियो में अभी बने रहें, क्योंकि वीडियो एंड करने से पहले मैं बहुत जरूरी बात बताने जा रही हूं आप लोगों को, क्योंकि जो मैं देखती हूं, जो मैंने देखा है अभी तक वही बता रही हूं कि जब इनके ऊपर छिपकली गिरी, ठीक है अभी सुनना पूरी बात आप लोग, छिपकली गिरी तो मैंने इनसे कहा मत जाओ, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये मुझसे कहते तुम हटो, चलो तुम मानती हो ये सब चीजें, मैं तो जा रहा हूं, मैं नहीं मानता हूं। मैंने कहा ठीक है जाओ, मेरे रोकने से तो वैसे भी नहीं रुकना है। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने अपने घर पे फोन लगा के पूछा, तो बताया उनने पूछा किस साइड गिरी, लेफ्ट गिरी राइट गिरी, तो मैंने उन्हें बताया। तो जब ये लौट के आए तो मैंने कहा तुम्हारे जिस तरफ गिरी थी ये तो बहुत अच्छा माना जाता है, तो शुभ है, तो ये खुशी से उछल पड़े। तो मैंने कहा देखो, जब मैंने कहा था बाहर मत जाओ तब मैं ये सब चीजें नहीं मानता, अब तो मैं खुशी हो रही है। लेकिन मुझे फिर भी इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, अगर उस अपशकुन का कुछ नेगेटिव मीनिंग है तो इनको मानना नहीं है, और अगर उस अपशकुन का कुछ पॉजिटिव मीनिंग है तो ये खुशी से उछल पड़ते हैं। तो यानी चित भी अपनी पथ भी अपनी, हर हाल में खुश रहना है बस। और बाय द वे आज है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, और अगर हम 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखें तो फिनलैंड एक ऐसा देश है जो कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, और अगर हम बात करें अपने देश की तो 149 देशों में से उसका स्थान 139वां है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी लोग यहाँ कितने दुखी हैं, कितनी नेगेटिविटी है जिसको पॉजिटिविटी में बदलने की बहुत जरूरत है। तो खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको सिर्फ पॉजिटिविटी देखने को मिले एंड नेगेटिविटी से आप लोग दूर रहें, हम लोग भी दूर रहें। मैं बी पॉजिटिव हूँ, ये ओ पॉजिटिव है, देखा कितनी पॉजिटिविटी है। बाय, गुड नाइट।